बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की बायोपिक साइना का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में परिणीति चोपड़ा बिल्कुल साइना नेहवाल के लुक में नजर आ रही हैं। साइना का किरदार निभा रही परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग टीजर में देखी जा सकती है। कुछ दिन पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया था। अब टीजर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। यह पहली बार है जब परिणीति किसी स्पोर्ट्स बायोपिक में नजर आने वाली है। साइना के टीजर में परिणीति दमदार डायलॉग बोलती हुई नजर आ रही है। परिणीति बतौर साइना कहती है, राजा बेटा कॉलेज पढ़ेगा मेरा, बेटी चूल्हा फूंकेगी और फिर 18 की होते ही हाथ पीले, स्टोरी फिनिश। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, करछी तवे के बदले मैंने पकड़ी तलवार। टीजर से साफ है कि फिल्म लिंग भेद को चोट करती हुई नजर आने वाली है। अमोल गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म साइना 26 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। साइना मूवी रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में आ चुकी है। इसके पोस्टर को लेकर इससे पहले कई ज्यादा बवाल हो चुका है। ट्रोलर्स ने जमकर साइना के पोस्टर का विरोध किया था। यूजर्स का कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बैडमिंटन नहीं बल्कि टेनिस के खेल को दिखाया जा रहा है, क्योंकि बैडमिंटन में शटल को कभी भी उस तरीके से नहीं उछाला जाता जैसा कि पोस्टर में दिखाया गया है। परिणीति चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए घंटों तक बैडमिंटन की प्रैक्टिस की है। परिणीति के करियर के बारे में बात करें तो हरियाणा के अंबाला में जन्मी परिणीति ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल से की थी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म इश्कज़ादे थी। इस फिल्म में परिणीति के साथ अर्जुन कपूर लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में दोनों ने काफी अच्छा काम किया था। वहीं हाल ही में परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन रिलीज हुई है। द गर्ल ऑन द ट्रेन की कहानी बेहद अच्छी है, यही वजह है कि लोग इसे नेटफ्लिक्स पर काफी पसंद कर रहे हैं और इसे जमकर दर्शकों का प्यार मिल रहा है। अब एक बार फिर से साइना नेहवाल की भूमिका में परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली हैं। टीजर में उनके दमदार डायलॉग्स ने तो धमाल ही मचा दिया है। अब फिल्म कैसी है ये तो 26 मार्च को ही पता चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।